कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश और आबाद होंगे आज तो वॉइस बिल्कुल भी नहीं निकल रही आप लोगों को अंदाज़ा होगा पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मेरी जो वॉइस है कला खराब होने की वजह से नहीं सही आ रही लेकिन अब ना तो गले में पेन है ना कुछ है वॉइस ही खराब हो रही है पता नहीं क्या इशू बन रहा है चलिए जी आज जो है हम सईद गनी के प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रहे थे मुझे इतने सारे डी आए हुए थे इतने सारे इंस्टा पे टिक टॉक पे एफ पे मैसेजेस आए हुए थे कि आप सईद गनी के प्रोडक्ट को रिव्यू करें सईद गनी के प्रोडक्ट को रिव्यू करें और इनका मॉइस्चराइज़र और हेयर ग्रोथ वाटर तो बहुत ज़बरदस्त है तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज इसका रिव्यू कर लें तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये मैंने मंगवाए थे कोई एक महीना पहले और इनको मैंने ट्राई एंड टेस्ट किए हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है इनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो हम बीच में थोड़ी थोड़ी चुलबुली बातें भी करेंगे ऐसे तो आप लोग की वजह से मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं मेरी सारी पॉकेट मनी मेरी सारी सेविंग्स जो हैं वो इन प्रोडक्ट्स में चली जाती हैं क्योंकि मुझे कोई पी नहीं आता ना मैं पी रिसीव कर रही हूँ तो आप लोग जो है इतना तो कर सकते हैं ना कि लाइक कर दें शेयर कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट दुआओं वाला कॉमेंट कर तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिर ये वीडियो आगे चलेगी वरना आपको टू थाउजेंड लेटर का वेट करना पड़ेगा एंड आई एम वेटी श्योर कि आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा चलें आप वीडियो स्टार्ट करते हैं ओके नंबर वन पे है विटामिन सी फेस वॉश जो कि ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग के लिए है इसके थ्री मेन फंक्शन है एक तो आपकी स्किन को रिस्टोर करता है फाइन लाइन को रिड्यूस करता है और दूसरा आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये हंड्रेड एम एल की बॉटल है जो कि आपको थ्री एटी रुपीज़ की आसानी से इनके ऑनलाइन स्टोर से मिल सकती है बाजार का मुझे नहीं पता कि कितने में मिलेगी लेकिन मैंने ऑनलाइन स्टोर से बाय किया तो थ्री एटी रुपीज़ में आपको ईजिली मिल जाएगी ओके सेकेंड इनका है रोज वाटर जो कि दोबारा से ये विटामिन सी का बना हुआ है इसका भी यही है कि आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को जो है वो ब्राइटन करेगा इसकी प्राइस जो है इसकी प्राइस जो है वो थ्री फिफ्टी रुपीज़ है आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा होगा इन्हीं का मैंने पेज ओपन करके स्क्रीन शॉट लिया हुआ है ये बहुत ज़बरदस्त है और आपकी स्किन में अगर जगह जगह पे ब्लैक स्पॉट स्टार्ट हो रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी स्किन जो है वो डलनेस की तरफ जा रही है तो आप ये वाला रोज़ वाटर इनका यूज़ करके देखिएगा बहुत ज़बरदस्त है बहुत अच्छा है और मैं आई थिंक ये मेरी दूसरी बोतल है और थर्ड प्रोडक्ट इनका सन ब्लॉक है ये मुझे ओके लगा है बस ना बट अगर बेस्ट एंड अफोर्डेबल चीज़ को देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है इसमें क्या है ये ऑयल फ्री सन ब्लॉक है विटामिन सी से बना हुआ और सबसे बड़ी बात जितना हमें एसपीएफ चाहिए होता है एशियन स्किन के लिए सिक्सटी एसपीएफ इसमें मौजूद है और इसका टेक्सचर भी जो है मैंने देखा है कोई ग्रेसी नहीं है बिल्कुल ऑयल फ्री है लगाने के बाद कोई भी टेंटेड फील नहीं होता तो जिन लोगों को टेंटेड सन ब्लॉक नहीं पसंद वो ये वाला ऑप्शन बेस्ट यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ सईद गनी माय फेवरेट विटामिन सी फेस क्रीम मॉइस्चराइज़र रिच मॉइस्चराइज़र इतनी रिच है इसकी इतनी छोटी क्वांटिटी भी अगर आप फेस पे लगाएंगे तो इजीली आपके पूरे फेस पे अप्लाई होके फुल मॉइस्चराइज़ कर देगी इतनी ज़्यादा ये मॉइस्चराइज क्रीम है और कोई आपको ग्रीसी फील नहीं होता कोई हैवी फील नहीं होता और ना ही आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को डल करती है इतनी ज़बरदस्त है ये, ये मेरी सेकेंड बॉटल है और मुझे इतनी पसंद है मुझे कोई भी इतना प्रोडक्ट पसंद नहीं आया जितना मुझे ये पसंद आया और इसकी प्राइस जो है फोर हंड्रेड रुपीस है नेक्स्ट जो है हैंड एंड फीट क्रीम है इसकी जो कि डिफरेंट फ्रूट से बनी हुई है ऑरेंज है पपाया है और दिखने में कुछ इस तरह से है अच्छा इसके कुछ रिजल्ट्स मुझे नज़र आए हैं लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी जो है ना वो विटामिन सी क्रीम जो है ना अगर आप हैंड फिट और फेस पे लगाएंगे ना वो ज़्यादा अच्छी होगी तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी है ये बस ठीक है ओके okay, ओके okay है तो इसके प्राइस जो है वो भी अराउंड फोर हंड्रेड रुपीज़ है अगर कोई जिसको ज़्यादा रिच मॉइस्चराइज की ज़रूरत नहीं है तो वो सिंपली ये वाला यूज़ कर सकता है उसके बाद फेस एंड बॉडी जेल जो कि विटामिन सी की अच्छा ये सारी विटामिन सी की रेंज मैंने ज़्यादा मंगवाई थी क्योंकि जो है ना मुझे ब्राइटनिंग की तरफ जाना था स्किन ब्राइटनिंग की तरफ इसलिए मैंने विटामिन सी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा मंगवाए थे और आ, पर्सनली मुझे विटामिन सी के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैंने ये भी मंगवाया था अच्छा ये फ़ेस एंड बॉडी जेल जो है ना ये लगाने के बाद बिल्कुल गायब हो जाता है ऐसे लगता है जैसे फ़ेस पे कुछ लगा ही नहीं हुआ तो जैसे जेल जो है वो एक्नी स्किन और ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है तो वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं उसके बाद ये एप्रिकॉट फेस एंड बॉडी स्क्रब है अच्छा फेस के लिए ना ये आ, ओके है लेकिन बॉडी के लिए ना थोड़ा इसके पार्टिकल्स मोटे होने चाहिए थे थिक होने चाहिए थे आ, फेस की एप्लीकेशन के लिए तो ओके है लेकिन जो बॉडी पे अप्लाई करना चाहते हैं उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन फेस पे लगाएंगे तो उनको आ, ये फेस के लिए बिल्कुल ठीक है और इसकी प्राइस भी अराउंड फोर हंड्रेड रुपीज़ है इजीली आपको ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा उसके बाद हेयर केयर पर आ जाते हैं हेयर केयर में आपको एक शैम्पू चाहिए एक ऑयल चाहिए और एक हेयर ग्रोथ वाटर चाहिए ठीक है उस सबसे पहले जो है हम आलमंड ऑयल देख लेते हैं इसके एवरी यूज़ के लिए है एवरीडे यूज़ के लिए है और इसके प्राइस फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी फाइव हंड्रेड के राउंड अबाउट है और ये बहुत अच्छा लगा मुझे लाइट वेट है और लगाने के बाद इसकी खुशबू भी ऐसी नहीं है कि आपके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत अच्छा है आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद ये इनका मख्जियात शैम्पू है आई डोंट नो वट इज़ द राइट वर्ड ये शैम्पू मुझे अच्छा लगा एक्स्ट्रा नरिश आपके बालों को प्रोवाइड करता है इसके और भी काफ़ी शैम्पू हैं लेकिन मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वाला शेयर किया है और बेसिकली बात तो हमारे हेयर वॉश जो होते हैं ना वो बालों को वॉश करने के लिए होते हैं हमें अपना हेयर ऑयल अच्छा चूज़ करना चाहिए और जो शैम्पू होता है वो ज़्यादा केमिकल वाले ना हो बस माइल्ड से केमिकल हो शैम्पू में तो ओके okay है उसके बाद ये वाला जो इनका मैजिकल प्रोडक्ट है इससे यार आपके बाल जो है ना हेयर फॉल तो बिल्कुल गायब हो जाएगा अब ऐसा भी नहीं है कि एक दो दिन की एप्लीकेशन से आपका ख़त्म होगा ठीक है मैंने एक मंथ यूज़ किया और ये मेरी आई थिंक सेकेंड बॉटल मैंने ली है तो इससे हेयर फॉल बिल्कुल ये जो आपके फोर हेड पे बाल जिन गर्ल्स के नहीं होते बड़ा फोर हेड होता है उनके लिए बेस्ट है बेस्ट आप लोग ज़रूर ट्राई करें जिनके फोर हेड पे बहुत कम बाल हैं और वो चाहती हैं कि हमारे फोर हेड पे बाल आ जाए अच्छा ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है बल्कि मेल्स के लिए भी हैं बॉयज़ के लिए भी हैं जिनके बॉयज़ के मेल्स के बाल जो हैं वो मतलब बाल जड़ोगे वो ये यूज़ कर सकते हैं तो जनाब ये सारे प्रोडक्ट्स थे जिनकी डिटेल मैंने वन बाय वन आप लोग के साथ शेयर कर दी है अगर कोई बेनिफिट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और आप में से जो भी देख रहा है अगर वो कोई यूज़ कर रहा है और वो प्रोडक्ट इसमें नहीं है तो उसके बेनिफिट्स भी कमेंट बॉक्स में हमेशा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं वीडियो में स्टे हाफिज़